दोस्तों, यूक्रेनी राजदूत ने दावा किया है कि रूस ने आक्रमण के दौरान वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। वैक्यूम बम एक थर्मोबैरिक हथियार है जो बड़ा विस्फोट करने के लिए आसपास की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। यह अपने 300 मीटर के दायरे में आने वाले इंसान को भाप बना देता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।